नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विपस्सना मेडिटेशन के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप में धैर्य है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको एक अद्भुत जानकारी प्राप्त होगा। विपस्सना एक प्राचीन और अद्भुत ध्यान प्रयोग है। इसका शाब्दिक अर्थ है देखकर लौटना, मतलब आओ और देखो और फिर मानो। यह आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण की सबसे बेहतरीन ध्यान पद्धति है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने विपस्सना के जरिए ही बुद्धत्व को हासिल किया था। उन्होंने इसका अभ्यास लोगों से भी करवाया था। यह ध्यान आपको खुद को जानने में मदद करता है। आज के दौर में दुनिया भर में इस ध्यान से होने वाले लाभ के बारे में चर्चा है और लोग बड़े उत्साह के साथ इसका अभ्यास कर रहे हैं। विपस्सना के पांच सिद्धांत विपस्सना ध्यान का अहम हिस्सा है। इनमें किसी भी प्रकार की जीव हिंसा न करना, चोरी से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपशब्दों का प्रयोग न करना तथा नशे आदि से दूर रहना शामिल है। कब करें विपस्सना ध्यान? विपस्सना ध्यान सुबह और शाम दोनों वक्त किया जा सकता है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को इसका अभ्यास करना काफी लाभकारी होता है। सोने से 5 मिनट पहले और उठने के 5 मिनट बाद भी इसका अभ्यास अच्छा माना जाता है। कैसे करें विपस्सना? विपस्सना ध्यान को 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला विधि, अपने कृत्यों, अपने शरीर, अपने मन, अपने हृदय के प्रति सजगता। चलो तो होश के साथ चलो, हाथ हिलाओ तो होश से हिलाओ, यह जानते हुए कि तुम हाथ हिला रहे हो, तुम उसे बिना होश के यंत्र की भांति भी हिला सकते हो। तुम सुबह सैर पर निकलते हो, तुम अपने पैरों के प्रति सजग हुए बिना भी चल सकते हो। अपने शरीर की गतिविधियों के प्रति सजग रहो। खाते समय उन गतिविधियों के प्रति सजग रहो जो खाने के लिए जरूरी होती है। नहाते समय जो शीतलता तुम्हें मिल रही है, जो पानी तुम पर गिर रहा है और जो अपूर्व आनंद उससे मिल रहा है, उस सब के प्रति सजग रहो। बस सजग रहो, यह जागरूकता की दशा में नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे मन के विषय में भी ऐसा ही है। तुम्हारे मन के पर्दे पर जो भी विचार गुजरे, बस उसके दृष्ट बने रहो। तुम्हारे हृदय के पर्दे पर से जो भी भाव गुजरे, बस साक्षी बने रहो। उसमें उलझो मत, उसे तादाम्यत मत बनाओ, मूल्यांकन मत करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह तुम्हारे ध्यान का अंग नहीं है। दूसरी विधि है श्वास की। अपने श्वास के प्रति सजग होना। जैसे ही श्वास भीतर जाती है, तुम्हारा पेट ऊपर उठने लगता है और जब श्वास बाहर जाती है तो पेट फिर से नीचे बैठने लगता है। तो दूसरी विधि है पेट के प्रति, उसके उठने और गिरने के प्रति सजग हो जाना। पेट के उठने और गिरने का बोध हो, और पेट जीवन स्रोत के सबसे निकट है, क्योंकि बच्चा पेट में माँ की नाभि से जुड़ा होता है। नाभि के पीछे उसके जीवन का स्रोत है। तो जब तुम्हारा पेट उठता है तो यह वास्तव में जीवन ऊर्जा है, जीवन की धारा है जो हर श्वास के साथ ऊपर उठ रही है और नीचे गिर रही है। यह विधि कठिन नहीं है, शायद ज़्यादा सरल है, क्योंकि यह एक सीधी विधि है। पहली विधि में तुम्हें अपने शरीर के प्रति सजग होना है, अपने मन के प्रति सजग होना है, अपने भाव दशाओं के प्रति सजग होना है। तो इनमें 3 चरण हैं। दूसरी विधि में 1 ही चरण है, बस पेट ऊपर और नीचे जा रहा है और परिणाम एक ही है। जैसे जैसे तुम पेट के प्रति सजग होते जाते हो, मन शांत हो जाता है, हृदय शांत हो जाता है, भाव दशाएं मिट जाती है। तीसरी विधि, जब श्वास भीतर प्रवेश करने लगे, जब श्वास तुम्हारे नासापुटों से भीतर जाने लगे, तभी उसके प्रति सजग हो जाना है। उस दूसरी अति पर उसे अनुभव करो, पेट से दूसरी अति पर, नासापुट पर श्वास का स्पर्श अनुभव करो। भीतर जाती हुई श्वास तुम्हारे नासापुट को एक प्रकार की शीतलता देती है, फिर श्वास बाहर जाती है, श्वास भीतर आई, श्वास बाहर आई,
इस तरह से आप विपसना कर सकते हैं। विपसना के चमत्कारिक लाभ, इसको करने से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। इस ध्यान को करने से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहता है, मन में हमेशा शांति बनी रहती है। 5 सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। भारत में बहुत से विपस्याना केंद्र मिल जाएंगे जहां से आप कोर्स कर सकते हैं, जिसकी सूची आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी विपस्याना केंद्र गूगल में खोज सकते हैं, आपको वहां से कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने विपस्याना के महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।